नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर गिरी आपकी बिजली। आपके वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। पार्टी की 21 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने यादव और भूषण को 8 के मुकाबले 11 वोटों से पीएसी से बाहर रखने का फैसला किया। केजरीवाल समर्थकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रशांत और उनके पिता शांति भूषण पर पार्टी की पीएसी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक सभी इकाइयों पर अपना नियंत्रण करने का आरोप लगाया। डीजीए सचिन की फिल्म का टाइटल पाइए इनाम। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने प्रशंसकों को निमंत्रण दिया है कि जो उनके जीवन पर बन रही फिल्म का शीर्षक सुझाएगा उसे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। सचिन ने ट्वीट किया है कि मैं यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं और आप सभी को इससे जोड़ना पसंद करूंगा। आप में से जो भी व्यक्ति इस फिल्म का शानदार टाइटल देगा उसे मेरी ओर से विशेष उपहार मिलेगा। अन्ना को मारकर मैं बनूंगा नाथुराम गोडसे। जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ पदयात्रा करने जा रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को फेसबुक पर जान से मार देने की धमकी मिली है। एमएफसी थाने के इंस्पेक्टर डीएम कटके ने बताया कि कनाडा में रहने वाले दो व्यक्ति गगन विधु और उसके दोस्त नील के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और आईटी कानून की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। दोनों ने भारत आकर अन्ना हजारे को गोली से मार देने की धमकी दी है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं अगला नाथुराम गोडसे बनूंगा। फिलहाल इसे फेसबुक से हटा लिया गया है।